हाँ मामा बोलो। अरे मायरा, रिया और मैं ना स्टोर रूम की सफाई कर रहे हैं। और यहाँ तेरी बहुत सारी पुरानी किताबें मिली हैं। और उनमें बहुत सारे लेटर्स भी। कौन से लेटर्स? अरे वही जो तू पापा को लिखा करती थी। अच्छा वो, संभाल के रखना, मैं घर आके देखती हूँ। अरे नहीं, पढ़ के सुनाती हूँ, रुक। वो मैं काम कर रही हूँ। अरे सुन, डियर पापा, आप जल्दी घर आ जाओ। आई प्रॉमिस मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगी। मस्ती भी नहीं करूंगी, रिया से बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। पर प्लीज पापा, हमें फिर से मॉम का बनाया खाना खाने की पनिशमेंट मत देना। मैंने वो खाना चुपके से टॉमी को डाल दिया है और उसने भी नहीं खाया। तू चुप कर, जा अपना काम कर। अच्छा मामा, मैं काम करूँ अभी? हाँ ठीक, जा काम कर। बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे, जा। ओ ये देख रिया, ये हमारा पुराना कलर टीवी, ऐसा किसी के पास नहीं था। हाँ आज भी ऐसा किसी के पास नहीं होगा। रहने दे, तुझे पता है पूरी कॉलोनी में सबसे पहले कलर टीवी हमारे यहाँ ही आया था। पूरा दिन चिपकी रहती थी तू, तू और निखिल टीवी के सामने दिन भर, इसीलिए तो उस बेचारे का चश्मा भी लग गया। अरे इसका रिमोट होगा यहीं कहीं, देखना रिया, रिमोट होगा, देखना। मम्मा हम ये सब खाली करने आए हैं, परेशान करने नहीं। हटो हटो, इधर आ, पकड़ो इसको, देखो और इसमें जो स्क्रैप है वो निकालो। मम्मा प्लीज, रिमोट। अच्छा ठीक। ओह इसमें तो ऑडियो कैसेट्स हैं। कैसी बदमाश हुआ करती थी ना तू। बेचारी बुआ जी, उनकी माता की भेंटों की कैसेट में तूने सारे अपने गाने भर दिए थे। वो बेचारी जगराते में गई, कैसेट लगाया और गाना बजने लगा। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। मम्मा वो मैंने थी, वो मायरा ने किया था। नहीं मायरा तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तू ही थी एक घर में निराली, तब भी और अब भी। अरे रिया इसे खोल तो, टेबल फैन है, मुझे चेक करना है। आप फैन का क्या करोगे? अरे तेरे नाना जी ने दिया था ये फैन और वो अलमारी शादी में, मुझे चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे थोड़ी ना दे दूंगी रद्दी में, छोड़। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे
देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी आप